जैसे कि यदि आपके शरीर पर कहीं पर चोट लग जाए या फिर किसी प्रकार से आप कट जाएं और हॉस्पिटल में सर्जरी होने के बाद में जो घाव को सुखाने के लिए डॉक्टर के द्वारा दवा दी जाती है वो दवा कौन कौन सी होती है कौन सी दवा किस काम में आता है इसके बारे में पूरा डिटेल से जानकारी आज हम आपको हिंदी में देंगे यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं घाव जैसे कि घाव दो प्रकार के होते हैं जिसमें एक्यूट ओम्स होता है और क्रोनिक क्यूट क्या होता है जैसे कि एक्यूट में ताजा घाव होता है नया घाव होता है ये फिर या फिर ये घाव किसी चोट की वजह से हो गया हो या फिर की की वजह वजह से से हुआ हुआ हो, या फिर घाव या फिर बाइट की वजह से हुआ हो घाव जैसे कि हम क्रोनिक घाव के बारे में बात करते हैं जैसे कि ऐसे घाव जो कई हफ्ते तक ठीक नहीं होता है इसमें जो ज्यादा केस देखने को मिलता है उसमें हो सकता है न्यूरोपैथिक वर्ण और होता है डायबेटिक जैसे कि जो पेशेंट डायबिटिक के होते हैं उन्हें अगर कहीं पर शरीर में कट पिट जाता है तो उनका घाव जल्दी नहीं भरता है ये भी प्रॉब्लम होता है क्रोनिक में तब डॉक्टर के द्वारा कौन सी दवा दी जाती है इसके बारे में पूरा डिटेल से जानकारी आज हम आपको हिंदी में देंगे तो इसमें हम सबसे पहले मेडिसिन की बात करते हैं जो डॉक्टर के द्वारा सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है वो हमारा सबसे पहला मेडिसिन है मोक्सीकाइड सी बी छः का ये टेबलेट ये टेबलेट मेनकाइंड कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है जिसमें एमोक्सासीन एंड पोटेशियम क्लोवेंट होता है घाव को सुखाने के लिए दिया जाता है यह मेडिसिन सबसे ज्यादा डॉक्टर के द्वारा उपयोग किया जाता है मेडिसिन आपको और तीन सौ पचहत्तर स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा यह मेडिसिन घाव को सुखाने के लिए डॉक्टर के द्वारा काफी ज्यादा दिया जाता है मरीज को जैसे की हम अगले मेडिसिन की बात करते हैं जो हमारा अगला मेडिसिन है गुडसेफ सी बी दो और गुडसेफ सी बी हंड्रेड एम जी ये दो और हंड्रेड एम के स्ट्रेंज में आता है यह भी मेडिसिन घाव को सुखाने के लिए डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है यह भी मेडिसिन

अगला मेडिसिन है हमारा ये मेडिसिन आपको ढाई सौ एम और पांच सौ एम के स्ट्रेंज पर मिलता है ये वैक्सीन नाम से काफी ज्यादा पॉपुलर मेडिसिन है यह मेडिसिन आपको ढाई सौ एम और पांच सौ एम के स्ट्रेंज पर आसानी से मिल जाएगा यह भी मेडिसिन घाव को सुखाने के लिए डॉक्टर के द्वारा काफी ज्यादा उपयोग किया जाता है पुराने से पुराना घाव हो तो वो ठीक हो जाता है और ये मेडिसिन फोड़ा फुंसी में भी अच्छा काम करता है जैसे कि हम अगले मेडिसिन की बात करते हैं जो हमारा अगला मेडिसिन है सेप्ट्रॉन डीएस एस सेप्ट्रॉन डी में कोट्रीमोक्साजोल पाया जाता है ये मेडिसीन काफी पुराना मेडिसिन है और ये मेडिसिन काफी ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है अगले मेडिसिन की बात करते हैं जो हमारा अगला मेडिसिन मेडिसिन है है और के के स्ट्रेंज में आता है। ये ये भी घाव को सुखाने के लिए डॉक्टर के द्वारा मरीज को दिया जाता है किसी भी प्रकार का घाव हो जाता है तब भी डॉक्टर के द्वारा ये दिया जाता है जिससे घाव की समस्या ठीक हो जाती है अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है इसके अलावा तो अपने नजदीकी डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क करके दवा लें कोई भी दवा आप अपनी मर्जी से